So dear students, today we are going to start electrochemistry. See, electricity is very diverse application, you know that, okay? None of you are such that you don't know any use of electricity. Each of you, every one of you have seen some of the use of electricity. And most of you must be using the electricity right now also. है ना, आई एम ऑल्सो यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ. फैन चल रहा है ना, लाइट है. लाइट क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमने ट्यूबलाइट ऑन रखा है. सो लाइक दैट. सो मोबाइल इज ऑल्सो यूजिंग एनर्जी. फ्रॉम वेयर द मोबाइल इज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हाउ मोबाइल इज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैन यू टेल मी? मोबाइल फोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे यूज कर रहा है बताओ? मोबाइल फोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे यूज कर रहा है? बोलो. आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं तो एक चीज ध्यान देते हैं, है ना, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन जरूर देखते हैं. ओके, क्या है वो स्पेसिफिकेशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड होता है बताओ? बैटरी बैकअप देखते हैं सर. बैटरी बैकअप देखते हैं. बैटरी सेल, सेल का क्या बैकअप है, बैटरी का क्या बैकअप है, ये देखते हैं. तो बैटरी या सेल जो है, व्हाट इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ सेल इट इज, है ना. सो दैट इज अ केमिकल सेल, है ना. सो दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी कैन से. सो बैटरी बैकअप देखते हैं तो जो बैटरी आप देखते हैं दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो बैटरी बैकअप इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होगा तो मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना. मैं पूरी क्लास पढ़ा नहीं पाऊंगा और आप पूरी क्लास पढ़ नहीं पाएंगे. तो बैटरी बैकअप इज इंपॉर्टेंट. कई बार सर हमारा बैटरी डेड होने वाला है मोबाइल का, इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गड़बड़ होने वाली है उनकी. So be careful, you have to keep the battery bit updated so that we can study the electrochemistry properly without any obstacle. That is important. And obviously here in electrochemistry we are going to study about the electrochemical cells also. Okay, so apart from that there are many other applications of electrochemistry like electrolysis. Electrolysis is a phenomena jahan par aapka electrochemistry होता है. इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आप क्या करते हैं, मटेरियल को केमिकली तोड़ते हैं. सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में? ओके, अंडर टेंथ भी आपने पढ़ा है, यहां भी पढ़ेंगे. दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली यू कैन सी इन आवर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो व्हाट सिग्नल्स आर सेंड, है ना. हमारा दिमाग काम करता है, ब्रेन काम करता है, कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर आल्सो सेंड टू डिफरेंट नर्व्स. हमारे बॉडी के जो अलग अलग नर्व्स हैं वहां सिग्नल कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो वहां भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारे ह्यूमन बॉडी से लेकर के हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका हर जगह यूज है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड देयर आर मेनी लॉज टू दिस चैप्टर दैट वी विल स्टडी. तो आगे हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वी विल राइट दैट इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो. Chemistry is the study of the production of electrical energy. Electrochemistry is the study of the production of electrical energy released during
सम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, केमिकल reactions and also the study of non-spontaneous reaction that are carried out by passing electricity fluid. Electricity through a reaction mixture. Reaction mixture. Okay, या through the reactants कह सकते, reaction mixture क्या होगा? Reactant होगा. तो दो काम हो गया, एक तो electricity का generation. Electricity का generation कब होगा? Spontaneous chemical reaction. Spontaneous मतलब जो खुद से हो रहा है ना, तो हमें उसे energy देना नहीं पड़ता है. Energy जो release होती है क्योंकि वो spontaneous है, तो जो energy release that energy can be converted into electrical signal, and so electricity can be produced from that energy. Secondly, some non-spontaneous reactions can be carried out by giving energy. How we give energy? We can give energy by supplying electricity. Even we can give the energy by heating. So वो फिर electrochemistry में आया है ना? Heat करके भी हम energy दे सकते हैं, electricity से भी energy दे सकते हैं. Non-spontaneous reaction जो होते हैं, थर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए हमें क्या होता है बताइए? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, उसको करने के लिए उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या होता है बोलो? देखो केमिकल रिएक्शन में दो ही चीजें होती है, या तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा या एनर्जी देना होगा. तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, आपको एनर्जी देना होगा या आपको एनर्जी मिलेगा बताइए? सर देना होगा. देना होगा, तो देना होगा तो हम एनर्जी कितने तरीके से हैं? क्या हम एनर्जी हीटिंग के थ्रू दे सकते हैं, हीट प्रोवाइड करके दे सकते हैं? बोलो, किसी चीज को हम हीट करेंगे तो क्या हम एनर्जी देंगे? बोलो. यस सर. या फिर हम किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो एनर्जी देंगे? बोलो. यस सर. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से भी एनर्जी दे सकते हैं, यानी कि मैं दो तरीके देख सकते हैं, बाय हीटिंग और बाय सप्लाइंग एनर्जी. फोटो आपका दूसरा रिएक्शन फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है, यहाँ पे लाइट के थ्रू हम एनर्जी दे सकते हैं, है ना? ओके, तो वहां पे फोटोकेमिकल्स होते हैं, मतलब के विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स द एनर्जी इज प्रोवाइडेड एंड द रिएक्शन इज कैरीड आउट. तो बहुत तरह है एनर्जी देने के, बहुत सारे प्रोसेस है. तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी कैसे दे रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर और द रिएक्टेंट, है ना? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देना होगा, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते. तो दैट इज द टू फिनोमिना दैट वी डील विद इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर इतनी बातें हम लोग जाने. नाउ वी विल नो अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. What are electrochemical cells? Electrochemical cells. Let us know about electrochemical cells. देखो, please note it down. काफी लेट हो गया बेटा आपको. आयुष,
यस सर। हाँ थोड़ा समय का ध्यान रखिए, है ना। हाँ जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं एक बार समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके इस चैप्टर को हमें जल्दी से जल्दी करना है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो जिन्हें मैंने पढ़ाया है वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। 11 क्लास का रेडॉक्स जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो काम आएगा, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लीजिएगा अपने एंड से, दैट विल बी हेल्पफुल हियर। नोट कर ली? यस सर, हो गया। ओके तो ये देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात किया कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के द्वारा, या इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हम कोई केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ये दो चीजें हम, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस मतलब जो कि एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक टाइप, है ना। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देखें, देन दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आपका क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वैसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते हैं, लाइक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन जो होंगे, जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होते हैं, है ना। तो एनर्जी सप्लाई करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को एनर्जी हम हीटिंग के द्वारा भी सप्लाई कर सकते हैं, रिएक्टेंट को हम एनर्जी लाइट के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, तो लाइट के थ्रू भी हम सप्लाई करते हैं, है ना। फोटोलिसिस भी होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, इलेक्ट्रोसिंथेसिस भी होता है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम उसको कैरी आउट कर रहे हैं, देन सच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑल्सो कम्स अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो बातें जाना कि रिएक्शन को हम कैरी आउट करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर सकते हैं भाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होगा उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपको यूज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर गैल्वेनिक सेल्स, है ना। गैल्वेनिक सेल्स, वोल्टेइक सेल्स। तो ये क्या करते हैं बेटा, है ना, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर यूज्ड। तो हम यहां पर बात करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल होते हैं उसमें, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ होता है। केमिकल सेल बेसिकली करेगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा ये, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, बाय सम केमिकल रिएक्शंस, बाय सम केमिकल रिएक्शंस।
है ना, हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। चलो इसको नोट कर लो बेटा, सर इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल भी करते हैं क्या? बेटा इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल अगर करेंगे तो वो केमिकल सेल थोड़ी ही कहलाएगा। केमिकल इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल, केमिकल क्या जाने क्या बोले, कंफ्यूज कर दिया आपने। इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल इनटू केमिकल, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, हाँ हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यही तो हो रहा है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन गई। हाँ जी हो गया, नोटेड डाउन। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर बनाया आप लोगों ने, क्वेश्चन सर नीचे वाला मत मिटाना। ठीक है आयुष, सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस किए बेटे? हाँ सर, मतलब एक्सरसाइज वाला कर रहा हूँ। तो बन रहा है अभी? हाँ सर। चलो ठीक है, जहाँ पे दिक्कत हो मुझे भेज देना। ठीक है। और सर? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन लिखवाई थी, या फिर वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर उसको यूज करके किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सर उस हिसाब से अगर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन देखें तो सर उसमें तो सिर्फ यही बताया गया कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसे मतलब क्लियर नहीं हुआ। हाँ अंकुर बोलो। सर दोनों में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ सर। बेटा आधे आधे सेंटेंस में नहीं समझूंगा, पूरा सेंटेंस बोला करो। सर मैं ये कह रहा था जो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो आपने डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें सर था कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा हमारा, या फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होकर एक प्रोड्यूस्ड होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सेल्स की आपने डेफिनेशन लिखवाई है उसमें आपने बोला है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होगा, तो सर ये कैसे क्लियर नहीं हुआ? हाँ नहीं तो दोनों तरह का हो सकता है ना, है ना। एक तो हो गया आपको, देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन में भी दोनों लिखाया था,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखाया था, ऊपर वाला लाइन पढ़ो पढ़ो सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सम रुक जाओ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस होना, तो यहाँ वही तो लिखा है प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी सर लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, आप दूसरा लाइन देख रहे हैं पहला नहीं देख रहे हैं। सर पहला वाला तो मुझे क्लियर हो गया सर, फिर जो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जो आपने लिखा हुआ है वो वाला थोड़ा तो बेटा वो आगे आएगा ना, एक एक करके टॉपिक पर हो गए ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ेंगे तो वहां यूज होगा। ओके सर है ना, वो आगे आएगा ना सर। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था, हेलो हाँ बोलो बोलो सर, जो हमारा केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो पा रही है, हाँ है ना सर, वैसे ही इलेक्ट्रिकल से भी केमिकल बन जाएगी हमारी? नहीं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल नहीं है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया या कोई भी कॉपर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया, वो आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन, समझा? यस सर, फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अरे भाई मैटर तो चाहिए है ना, हम इलेक्ट्रॉन पास करा देंगे या चार्ज पास करा देंगे तो उससे हाइड्रोजन तो नहीं बन जाएगा, उससे हीलियम तो नहीं बन जाएगा, उससे मैग्नीशियम तो नहीं बन जाएगा, उससे पोटेशियम और कैल्शियम तो नहीं बन जाएगा बेटा, है ना? Yes, समझा? मैंने ये कब कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल प्रोड्यूस कर देता है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल प्रोड्यूस केमिकल, I said it will initiate the chemical reaction, reaction between the chemicals. अच्छा। एक-एक करके मैं पहले एक बच्चे का जवाब देने दो, फिर आपका क्वेश्चन देखेंगे, है ना? समझा अंकुर? Yes sir, yes sir, clear हुआ। बेटा केमिकल थोड़ी प्रोड्यूस कर देगा, ऐसा तो नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से आप बैटरी लाए, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से आपने जो है आयरन बना लिया, गोल्ड बना लिया, ऐसा थोड़ी कर लेंगे, है ना? नहीं कर सकते। ओके okay? आप मटेरियल के बीच में केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, समझे? वो कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा था, मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द केमिकल, ये मैंने नहीं लिखा है। आई सेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू इनिशिएट और द केमिकल रिएक्शन, समझा? यस सर, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, समझा? यस सर, यस सर। है ना, इंसान कपड़ा पहन भी सकता है और इंसान कपड़ा भी सकता है, इंसान कपड़ा नहीं बन जाएगा और कपड़ा इंसान नहीं बन जाएगा, समझा? मैं वही कह रहा हूँ कि कपड़ा पहनता कौन है, ह्यूमन बीइंग, कपड़ा बनाता कौन है, ह्यूमन बीइंग, है ना? ह्यूमन बीइंग खुद कपड़ा नहीं बन जाता है, कि पता चला कि मैं टी शर्ट बन गया और आपने मुझे पहन लिया, हाँ ऐसा नहीं होगा। तो वही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल नहीं बना देगा, है ना, या कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन जाएगा, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन करवाएगा केमिकल्स के बीच में, समझे? यस सर। बोलो अब अंकुर, एक बार फिर से पढ़ो वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, पूरा स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिखा था उसको फिर से पढ़िए, चलिए पढ़िए, पूरा पढ़िए। पढ़ लिया सर, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ पढ़ लो, क्लियर है बच्चों सभी को ये बात? अब मुझे देखने दो आप क्या कह रहे हो। हाँ मयंक, व्हाट यू आर सेइंग सर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन कन्वर्ट बोथ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एंड केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा मैंने कहा कि दोनों करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने क्या लिखा है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की थी वहां पर,
अंकुर वाज आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें पॉसिबिलिटी हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, या केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। ये दो चीजों की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। ये मैंने बताया, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सम केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर। उसी बात को मैंने लिखा, दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को ही, देखो यहां भी वही लिखा है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बन रहा है, केमिकल रिएक्शन, यहां भी वही लिखा है मैंने, कन्वर्ट द केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों बातें मैंने सेम लिखा है, दैट इज करके अलग नहीं लिखा है, समझा मयंक। यहां दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, फुल स्टॉप से पहले और फुल स्टॉप के बाद दोनों सेंटेंस सेम है। फिर अभी भी तो वही बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहा का वाइस वर्सा मैंने लिखा कहा है बेटा, क्या ये दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट मैं वाइस वर्सा है, पढ़ के देखिए दोनों सेम स्टेटमेंट है। यस सर, दोनों स्टेटमेंट सेम है ना, बस बोलने का तरीका बदल दिया गया है, समझे। तो मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? यस सर, दोनों स्टेटमेंट सेम है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं आपका टीचर हूं आप मेरे टीचर हैं, ऐसा मैंने कहा मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका शिक्षक हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, है ना। तो वैसे ही आता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान से देखो, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, ये डिवाइस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल में प्रोड्यूस कन्वर्ट कर रहा है, वही लिखा है, दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल को कर रहा है, यहां भी वही कर रहा है, प्रोड्यूस कौन हुआ, इलेक्ट्रिकल, कैसे, बाय केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में हुआ ना, वाइस वर्सा कहां हुआ, समझा। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, दोनों स्टेटमेंट सेम है, दैट इज का मतलब क्या हुआ, इसी बात को हम दोबारा कह रहे हैं। यस सर, ठीक है, हाँ रितिका बेटा क्लियर है? यस सर, ओके सर, आयुष एक एक करके बेटा, आयुष क्लियर है? क्लियर, हाँ आप बोलो, बोल रहे हो सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट कर देता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और रिएक्शन कैरी आउट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देने की जरूरत नहीं है, अगर हम देंगे तो फिर ये सेल कहां से कहलाएगा ना? अब ये बोलिए, बाजार से आप एक पेंसिल बैटरी खरीद के लाते हैं, और उस पेंसिल बैटरी को अगर आप लगाते हैं किसी डिवाइस में या किसी टॉय में या घड़ी में, तो क्या आप देते हैं, आप एनर्जी देते हैं या सेल एनर्जी देता है घड़ी को? सेल जो है घड़ी को एनर्जी दे रहा है ना। मोबाइल की अगर बात करेंगे तो मोबाइल में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग इज अ डिफरेंट फिनोमिना, हम उल्टा रिएक्शन है ना, तो वो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी नहीं हुआ, समझे, वहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं सेल के अंदर, समझ रहे हैं, उल्टा रिएक्शन करा रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो चार्जिंग के समय रिवर्स रिएक्शन होता है, चार्जिंग के समय सेल सेल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ना, वो सेल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, समझे, चार्जिंग से कंफ्यूज मत होइए, चार्जिंग एक अलग फिनोमेना है, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ, पहले ये बात क्लियर हुआ, बताओ मयंक। बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिजाइन जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी क्लियर हो जाएगा। देखो, हाँ आइए देखिए,
डैनियल सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ओके सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। इसमें आपको दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें आपका क्या होगा, आप एक कंटेनर लेते हैं, ध्यान से देखना, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में इधर वाला जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, और दूसरा जो होता है वो रिडक्शन हाफ होता है। This is reduction half. Okay. So oxidation half में आपका zinc होता है, electrode metals, कोई भी metal आप use कर सकते हैं, यहाँ पे zinc use करते हैं, है ना? तो zinc electrode है ये, जिंक Zn है ना, एंड सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ZnSO4, और इधर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, यहां इलेक्ट्रोड ले सकते हैं ना, उधर जिंक ही लेना पड़ेगा, जनरली कॉपर ही लेते हैं, अदरवाइज कोई और भी ले सकते हैं, कॉपर दैट इज Cu, एंड हियर यू टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप क्या करते हैं, यहां पर इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, है ना, एक की लगा दो, रेसिस्टेंस लगा दो, आप चाहो तो एमीटर एक लगा दो, है ना, सो दैट यू कैन मेजर द करंट, और गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो भी है, स्मॉल एमीटर, मिली एमीटर लगा दो, स्मॉल करंट ही पास करता है, तो एमीटर लगा दिया। आप कोई सर्किट, बैटरी, सेल कुछ भी लगा सकते हैं, अपना सर्किट बना सकते हैं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रिएक्शन नहीं होगा अभी, अभी कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें, है ना। रिएक्शन होने के लिए समझो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं समझाऊंगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आपको क्या प्रेजेंट होगा, Zn2+ एंड SO4 2-, SO4-, ये आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहां क्या प्रेजेंट होगा, Cu2+ SO4 2-, है ना। देखो पहले एक बात को समझो कि जो रिएक्शन होगा, तो कोई भी रिएक्शन जैसे है, यहां पर इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये जो मेटल रॉड्स है, दीज मेटल रॉड्स इलेक्ट्रोड, ये बातें आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली होते क्या है, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटल सरफेस एट विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। द इलेक्ट्रोड्स आर द, लिख लो, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटल सरफेस at which
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस अकर इन सेल सेल ये बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन किस पे होगा बताओ करो जो भी बोलना चाहो ऑक्सीडेशन किस पे होगा कैथोड पे या एनोड पे नाम क्या होगा एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैथोड पे यानी कि जिस पे रिडक्शन हो रहा है दैट इज कैथोड कैथोड एंड इलेक्ट्रो एनोड आर टू इलेक्ट्रोड्स तो कैथोड पे रिडक्शन होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या उल्टा ऐसे कहो जिस पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है याद करना बहुत आसान है एबीसीडी तो सबको आती होगी एबीसीडी तो सबको आती है ना बोलो हाँ बेटा यस सर अरे यार जल्दी जवाब दो इसमें भी सोचना पड़ेगा एबीसीडी लिखोगे देखो ए सी ओ ये लिखो तो एबीसीडी में सबसे पहले ए आएगा फिर सी आएगा फिर ओ आएगा फिर आर आएगा आएगा ना एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल करते जाओ तो जो पहले आया पहले कौन आया एनोड आया तो एनोड पे पहले क्या आएगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आएगा रिडक्शन क्लियर है बोलो क्लियर है रटने की जरूरत नहीं है एबीसीडी सबको आती है ना तो वहां से आप कर सकते हैं यू कैन इजिली सी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन है ना सिंपल ये बात सबको समझ में आ गया यस सर चलिए हाँ तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इलेक्ट्रोड्स आर द मेटल सरफेस रिडक्शन अकर्स इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं एनोड और एनोड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स लिखने की जरूरत नहीं है लिख लोगे वर्ड में बोलो यस सर लिख लेंगे ना द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर इज कॉल्ड कैथोड ये लिख लेना तो ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन को क्या कहते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट समझे चलिए पहले यहां तक नोट करिए फिर लिखाते हैं कम ऑन डू दिस लिख लिए सर लिख लिया चलो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखो द सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड मेटल are placed it's called electrolyte है ना electrolyte हो गया जिसमें आपका metal placed होता है electrolyte हो गया तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें Daniell cell के केस में reaction क्या है आपका reaction आपका ये है प्लस सीयू टू प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जेडन टू प्लस प्लस कॉपर में दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन विच अकर्स इन दिस सेल यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ हाँ बोलो ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा ऑक्सीडेशन देखो जीरो से टू जा रहा है
तो Zn gets Zn 2 plus converted to Zn 2 plus plus 2 electron. इलेक्ट्रॉन को दिखाना मत भूलिएगा. और रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ है उसके नीचे आप लिख लेना Cu2 plus plus 2 electrons. रिडक्शन हाफ, तो रिडक्शन हाफ का आपका क्या हो जाएगा Cu2 plus plus 2 electron. दिस विल गिव यू, सो लेट इट बी द सेकंड रिएक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. When you add first and second, you will get this reaction. Okay? Please note it down. इसको करिए. लेकिन अभी इसको समझेंगे, है ना? अभी reaction होगा नहीं. सर हाँ बोलो. सर ये वाला reaction मुझे समझ नहीं आया. Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus. एक बार बताइए. देखो रेडॉक्स वाला पहले मैं अपने जो है ना लेक्चर्स आपको शेयर करूंगा, उसको पढ़ है ना. ओके अंकुर है ना, उसमें आपका क्लास छूट गया था बेटा, तो मैंने शेयर किया. मैं सिस्टमैटिक तरीके से कर दूंगा, आप पढ़ना उसको समझ में आएगा. यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ. देखो जिंक जो है, जिंक क्या होता है ये आपको बेसिकली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना. और ये जो है कॉपर, जो है कॉपर आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो ये एक्चुअली क्या है कि Zn जिंक जब आपका कॉपर प्लस से Cu2 प्लस से रिएक्ट करता है, तो उस केस में जब जिंक कॉपर 2 प्लस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2 प्लस में और कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में. यानी कि क्या हुआ बेसिकली, आप देखो इसने दो इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस को दिया, कॉपर 2 प्लस को दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर 2 प्लस क्या बन जाएगा. अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर 2 प्लस क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, Cu बन जाएगा. तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, लिया किसने, लिया इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस ने. तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिड्यूस हो गया ना, है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर हो गया, है ना. और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, है ना. इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, जिंक कर रहा है. सो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, तो जिंक का चूंकि ऑक्सीडेशन हो गया, जहां आएंगे भी तो जिंक का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, जीरो से प्लस टू हो गया. सो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़े थे पहला क्लास में, आपने किया था बाद में भी नहीं किया था, है ना. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो रहा है आप देखेंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. सो हु हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड, जिंक हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2+ लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर हैज एक्सेप्टेड द टू इलेक्ट्रॉन. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिडक्शन अकर्स हियर, है ना, ठीक है. चूंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो जिंक इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सो कॉपर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. यहाँ तक की बात क्लियर? यस सर, हो गया सर. चलो ठीक है, पहले नोट कर लो यहाँ तक. हो गया बेटा,
यस सर। चलो सर एक सेकंड मिस। हाँ ध्यान दो, जल्दी से करो। नोट कर लिया? यस सर। हो गया सर। चलो हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां तक हमने देखा। अब लेकिन जरा सोचो क्या हो रहा होगा यहां पर आपका, इसमें यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, जिंक गेट कन्वर्टेड टू Zn2+। तो Zn2+ में जब कन्वर्ट हो, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, ये किसमें बदल गया, एक्वस। एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन में चला जाएगा, एक्वस था, एक्वस से ये सॉलिड बन गया। सॉलिड मतलब ये क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा रॉड पे। हाँ रॉड पे, गेट डिपॉजिटेड ऑन द रॉड, गेट डिपॉजिटेड ऑन, डिपॉजिटेड ऑन किस पे, ये आपका कौन सा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है ना, और ये रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है। So, कैथोड डिपॉजिट हो जाएगा, गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, है ना, और यहां क्या होगा, वेंट टू द सॉल्यूशन, वेंट टू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चला गया, है ना, वो चीज है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां जो जिंक है, देखो जो रॉड में जिंक है, यहां से जिंक एटम, जिंक का जो एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहां लूज करेगा, ये देगा ऐसे करके, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो किसमें बदल जाएगा, जिंक गॉट कन्वर्टेड टू Zn2+। तो अगर जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया तो ये Zn2+ कहां जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्योंकि यहां से जो जिंक का जो रॉड है, जिंक के रॉड से जिंक जो है वो सॉल्यूशन में चला जा रहा है, यानी जिंक कंज्यूम हो रहा है ना। तो जैसे जैसे जिंक सॉल्यूशन में जाता रहेगा तो आप क्या कहेंगे, जिंक जो है धीरे धीरे सॉल्यूशन में घुल जाएगा और पतला होता जाएगा रॉड, है ना, रॉड पतला होता जाएगा, बोलो। यस सर। बात समझ में आ रहा है सभी को? Yes, देख लो है ना, तो जिंक का रॉड पतला होता जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये सॉल्यूशन में गया, जिंक का रॉड पतला होता जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जरा सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन है, Cu2+ आयन यहां इस इलेक्ट्रोलाइट या कैथोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आया है, यहां से जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लीव किया, वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके कैथोड पे आया। तो कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन वहां से इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ इलेक्ट्रॉन ले करके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, यानी कि इस पे डिपोजिटेड हो जाएगा। सो कॉपर गेट डिपोजिटेड, कॉपर गेट डिपोजिटेड, इस बात को यहां लिख लो, कॉपर गेट डिपोजिट
कैथोड। तो कैथोड पे जरूरी नहीं कि हम कॉपर लें, क्योंकि इस कॉपर का कुछ भी नहीं हो रहा है, समझे, इस कॉपर का कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कॉपर कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ, है ना, यहाँ डिसॉल्व हो रहा है, ना कोई रिएक्शन करा रहा है, बस इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन को उसने, उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी कि ये बस सरफेस पर कर रहा है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है बिहेविंग सिंपली एज अ सरफेस विच प्रोवाइड्स द एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन टू कन्वर्ट इट इनटू कॉपर एंड दिस कॉपर गेट डिपोजिटेड द मेटल सरफेस, है ना, दैट इज कैथोड के सरफेस पे डिपोजिट हो जाता है। तो अगर कॉपर है तो कॉपर ही डिपोजिट होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा मेटल है, कॉपर की जगह मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होगा, कॉपर का प्लेटिंग हो जाएगा, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आया, बोलो, ये बात समझा बेटा? यस सर। सो व्हेन यू विल टेक सम अदर मेटल इलेक्ट्रोड एज कैथोड विच इज अदर देन कॉपर, देन द कॉपर विल गेट डिपोजिटेड ऑन दिस मेटल एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल विल अकर, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, थिन लेयर विल अकर, है ना, ज्यादा देर छोड़ेंगे तो ज्यादा डिपोजिट हो जाएगा, एक लेयर डिपोजिट बाहर निकाल लिया, वैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं गोल्ड वगैरह से भी, है ना। हाँ बोलो सर, सोल्यूशन वाले कॉपर का ही इस्तेमाल है, मतलब यहाँ पे उस वही रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है, इस कॉपर का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस जिंक का इस्तेमाल हो रहा है, तो जिंक का रॉड पतला हो जाएगा, है ना, तो दिस गेट्स थिनर, गेट्स थिनर, ओके सर, एंड दिस गेट्स थिकर, दिस गेट्स थिकर, व्हाई, बिकॉज कॉपर गेट डिपोजिटेड ऑन द कैट, गेट्स ठीक है, थोड़ा यहाँ नहीं, यहाँ पे मुझे और काम है, मैं दूसरी जगह लिखता हूँ, यहीं लिखता हूँ, देखो नीचे लिख देता हूँ, गेट्स थीकर, ये बात समझा, गेट्स थीकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिएक्शन होगा, क्या यहाँ रिएक्शन होगा, जो फिनोमिना, जो प्रोसेस हमने डिस्क्राइब किया वो होगा, तो जवाब है कि नहीं, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, why the reaction will not occur here, है ना, वो इसीलिए, उसका रीजन ये है कि any electrolytic solution will not attain the net charge, किसी भी electrolytic solution अपने ऊपर net charge नहीं लेगा, क्योंकि net charge लेने से उसकी potential energy बढ़ जाएगी, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है electrostatic में, तो क्यों, कैसे net charge आएगा, देखो, जब जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसमें आ गया, Zn2+ आया ना, बोलो Zn2+ आया, तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ वाला जो सेल है, दिस हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे कैसा चार्ज आएगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी यहाँ नेट पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया 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 यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आया तो कॉपर 2 प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल नॉट अटेंड द नेट चार्ज ऑन इट, तो हमें क्या करना होगा, यानी कि जैसे नेट चार्ज रिएक्शन होने लगेगा, है ना, कि न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन भी इधर पास करेगा तो फिर से वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं हो पाएगा, समझे, समझ रहे हैं इस बात को, Yes, sir. है ना, तो रिएक्शन होने के लिए नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, जब भी हम लोग देखो रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग करते हैं तो नेट चार्ज को जीरो करते हैं ना, नेट चार्ज को जीरो करते हैं ना, है ना, तो यहाँ भी हमें
जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले का नेट चार्ज जीरो करना है। तो नेट चार्ज जीरो कैसे हो, क्योंकि जब तक नेट चार्ज जीरो नहीं होगा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्यूब लगा देते हैं अगर सॉल्यूशन का, है ना, अगर सॉल्यूशन का ट्यूब लगा देते हैं। ये अगर सॉल्यूशन क्या करता है, अगर मतलब जेली होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एल्गी वगैरह से ऑब्टेन होता है। ये अगर सॉल्यूशन क्या करता है ये मैं बताता हूं अभी, है ना। इसका पर्पस तो समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ अगर सॉल्यूशन, अगर का क्या यूज है, बोलो। yes, सोचो न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ केमिकल हाफ सेल्स, यानी कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। सो दिस इज, ये अगर है, अगर सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या होता है, KCl, K प्लस Cl माइनस, या फिर प्लस NO3 माइनस होता है ना। तो कैसे बनता है सॉल्यूशन, अगर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम उसको हीट करेंगे वो बिल्कुल पिघल जाएगा, है ना। जैसे जेली आपको बाजार में मिलता होगा, है ना, जेली वाला जो क्या मिलता है, टॉफी मिलता है, अगर खाने की चीज है और उसमें केसीएल मिला के मत खाना, है ना, अब वो खाने की चीज नहीं रही, समझे ना। नॉर्मल अगर जो होता है, एल्गी होता है खाने की चीज। हाँ बोलो सर। ये वाला जो मतलब जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, उसमें से सर इलेक्ट्रॉन पहले जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रिलीज होने के बाद फिर फ्लो हुए? नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहीं रिलीज हुआ मेटल सरफेस पे। देखो इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रिएक्शन होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, हमने इलेक्ट्रोड यूज कहा क्यों किया, मेटल सरफेस यूज किया, बिकॉज रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन टू अकर ओवर इट्स सरफेस, वही काम है, है ना। वही तो हमने लिखा था कि जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसी पे रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल ने कलेक्ट करके क्या किया, इसमें पास कराया। पास तो तब ना होगा जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम अगर सॉल्यूशन यूज करते हैं, विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ जेली लाइक अगर एंड KCl और एमोनियम नाइट्रेट, है ना, एमोनियम नाइट्रेट या ये पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, दोनों में से K2SO4 भी यूज कर सकते हो, K2SO4 भी यूज कर सकते हो, है ना, K2SO4 भी यूज कर सकते हो, K2SO4 भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, पोटेशियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं, NH4 whole 2 SO4 कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग यूज करते हैं, समझे, KCl यूज करते हैं, NH4 NO3 माइनस, ये सब यूज, है ना अगर सॉल्यूशन। तो जो एल्गी होता है, जेली लाइक एल्गी होता है, अगर जिसको कहा जाता है, खाने वाली ये वो, उसको गर्म करते तो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है, तो गर्म करेंगे तो पानी की तरह पतला हो जाएगा, उसमें फिर KCl मिला देंगे या एमोनियम नाइट्रेट जो है पोटेशियम सल्फेट या एमोनियम सल्फेट मिला कोई एक मिला देंगे उसमें। अब मिलाने के बाद उसको जब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा उसमें, उसके बाद उसको ठंडा, पहले उसको ट्यूब में डाल देंगे, यूट्यूब में, है ना, कौन से यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब, वो मूवी वाला यूट्यूब नहीं, समझा। तो यहाँ पर इस जो यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें डाल, तो ये जब ठंडा होगा तो जम जाएगा तो क्या होगा, उसको उल्टा ऊपर सीधे नीचे जैसे भी करो वो बहेगा नहीं, उसको फिर यूट्यूब हम रख देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसका एक पैर इसमें और दूसरा पैर इसमें डाल देंगे, वो काम करेंगे। अब देखो
कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी ये समझिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, सुनो, जैसे ही यहां पर जेड टू प्लस आया, जैसे ही जेड एन कन्वर्ट प्लस इसमें आया तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, बोलो, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया ना। तो मान लो कि मैंने यूज किया है KCL, तो मैंने अगर KCL यूज किया है तो दो क्लोरीन, या फिर मान लो ये यूज किया, चलो K2SO4 यूज किया है, तो K2SO4 यूज किया तो एक सल्फेट आयन SO4 2- माइनस आयन इसमें आ जाएगा। कहां से? अगर सॉल्यूशन से एक सल्फेट आयन इसमें आ जाएगा, तो जैसे ही आ जाएगा तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज यहां से निकल के इसमें आ गया तो न्यूट्रल रह गया। हाँ सर। और यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है ना, दो इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा, बोलो, ये निगेटिव बनेगा। तो जैसे ही ये निगेटिव बनेगा तो आपने अगर K2SO4 यूज किया है तो 2K+ 2K+ अगर सॉल्यूशन से इसमें आ जाएगा, 2K+ अगर सॉल्यूशन से निकल के आ जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन आया, दो पॉजिटिव चार्ज आया, ये न्यूट्रल रह गया, बोलो न्यूट्रल रह गया। सर लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ले रहा होगा ना जो Cu2+ में कन्वर्ट हो गया। कॉपर दिया, इधर सुनो, पहले भी तो ये न्यूट्रल था कॉपर, चलो कॉपर ले लिया तो यहाँ क्या था, सिर्फ कॉपर नहीं ना था, क्या था, Cu2+ SO4 2-, ये भी तो था। यस सर। चलो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर न्यूट्रलाइज हो गया तो SO4 2- एक्स्ट्रा हो गया। यस सर। तो ये SO4 2- के कारण तो दो यूनिट का निगेटिव चार्ज आएगा ना। यस सर, समझ गया। बेसिकली तुम जैसे भी कान पकड़ो, या तो कहो कि पहले से सॉल्यूशन न्यूट्रल था, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इसको तो दो यूनिट निगेटिव चार्ज मिला ना। यस सर, मिल गया। अब वो जहां पर से भी आप तुम उसको एकॉम्पनीज करो, है ना, उसको तुम जैसे भी सेटिस्फाई करो, तुम इलेक्ट्रॉन के आने के कारण दो यूनिट निगेटिव चार्ज का हो, या कॉपर का इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कॉपर में कन्वर्ट हो जाना, फिर सल्फेट आयन के बचने के कारण निगेटिव चार्ज का हो, निगेटिव चार्ज तो है, तो दो यूनिट के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटासियम आयन यहाँ आ गया, समझा, दो पोटासियम आयन, इज दैट क्लियर, बोलिए। और सर सेम वहां पे Cl- चला जाएगा एनोड वाले। हाँ, आप अगर कॉपर सल्फेट करेंगे, है ना, अगर इसमें कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, CSO4 अगर यूज करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, है ना, यूज करते हैं, है ना, अगर कॉपर सल्फेट यूज करेंगे तो कॉपर आ जाएगा में, समझे, है ना। यस सर। सर एनोड, हाँ बोलो सर। सिमिलरली जो Cl- है वो फिर जिंक के पास चला जाएगा। हाँ, जिंक, जेड एन सी एल कह लो, जिंक के पास चला जाएगा, Cl- या फिर SO4 2- जो भी है, या आपका NO3- इसमें आ जाएगा, है ना। Yes. वो चीज है, यानी कि निगेटिव आयन, अगर से निगेटिव आयन इसमें जाएगा और पॉजिटिव आयन इसमें, है ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ सेल। ये बात क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। अगर का फंक्शन समझ में आया? हाँ जी, आ गया। यस सर, बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये आप जो है अब इस डायग्राम में ये बना दीजिए, अगर सॉल्यूशन बना के ये वाला लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन बता के आगे बढ़ जाता हूँ। कम ऑन, डू इट क्विकली, जल्दी से करो। हो गया, ये जो अगर सॉल्यूशन है ये बेसिकली क्या है, इसका नाम हम क्या देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट यूज हो रहा है ना इसमें, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज।
तो सॉल्ट ब्रिज इज एन अगर अगर सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट है ना which is used to maintain the electrical neutrality of the electrolytes in the oxidation half and the reduction half cell. इसका नाम क्या है सॉल्ट ब्रिज स्टैंडर्ड नाम इसके लिए क्या यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज लिख लीजिएगा सो सॉल्ट ब्रिज इज सिंपली एंड अगर सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट लाइक KCl NH4NO3 K2SO4 NH4 O2SO4 लाइक दैट प्लीज नोट इट डाउन हो गया बेटा यस सर चलिए रितिका बेटा हो गया यस सर राघव हैव यू डन इट यस सर सचिन समझा बेटा कुछ पूछना है सचिन यू वांट टू आस्क एनीथिंग क्लियर है चलिए ठीक है मयंक यस सर ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ इसे मैं मिटा रहा अब देखिए तो ये सॉल्ट ब्रिज सो अ सॉल्ट ब्रिज इज अ सॉल्ट ब्रिज इज अ is an agar-agar solution solution of some salt like KCl NH4 NO3 K2SO4 और SO4 that is used to maintain the electrical neutrality electrical neutrality of maintain the electrical neutral that is used to maintain the electrical neutrality of kiska of the electrolyte solution in the oxidation half or reduction half ya end kar do end reduction half cells of the electrolytic cells electrochemical cell maine detail mein likha hai aap short mein bhi likh sakte hain hai na example bhi de diya hai na so reason bhi bata diya kya use hai iska to sari baatein humne definition mein hi likh diya
और सॉल्ट ब्रिज इज एन अगर अगर सॉल्यूशन होता क्या, ये भी लिख दिया। अगर आपको शॉर्ट नोट कहते तो इतना में आप सारी बात लिख चुके होंगे, है ना। थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं आप, कैसे मेंटेन करता है, तो जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ है में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो निगेटिव आयन को रिलीज करेगा, और रिडक्शन हाफ में निगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो वहां पर रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज आ जाएगा रिडक्शन हाफ में, तो वहां पर पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, ये बात याद रहेगा, बोलो याद रहेगा या लिखा दूं? यस सर, याद रहेगा या मैं लिखा दीजिए? याद रहेगा सर। चलो ठीक है, सो जस्ट यू कंप्लीट दिस एंड वी विल मूव अहेड नाउ। So now we will know about the cell potential. EMF. So it is the potential difference. Potential difference between the कैथोड एंड एनोड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो करेंट, नो इलेक्ट्रिक करेंट पासेस through it, it's called cell potential. Or EMF of cell. Yeah, physics में भी पढ़ा है last class में EMF के बारे में, याद आ रहा है कि जब कोई current नहीं होता तो उस समय जो voltage होगा that will be EMF. है ना, चलिए इसको नोट कर लो। ईएमएफ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ईएमएफ विल बी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between electrodes and a per unit charge upon charge, है ना, so potential energy difference per unit charge, so that is also cell potential or EMF, इस तरीके से भी है ना, वाला जो है एज ए डेफिनेशन याद रखो काफी है, इसको कर लो। देखो अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा, वोल्टेज अगर मैं देता हूं, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेम पोलैरिटी में है, सेम पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव कौन होता है, विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड या एनोड, बताओ बेटा, एनोड, हाँ एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा ना पॉजिटिव, हाँ एनोड पॉजिटिव होगा, एनोड क्या होगा,
एनोड जो है वो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ देखने दो सोचने दो, एनोड पे निगेटिव होगा या कैथोड पे? इलेक्ट्रॉन लिया किसने है? कॉपर कॉपर डॉट लिया है। नहीं कॉपर पे तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया किसने है बताओ? इलेक्ट्रॉन लिया था किसने? नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन किसके रिसीव हुआ था? इलेक्ट्रॉन कैथोड कैथोड ने लिया था ना? ना मेरा बच्चा इधर देखो, जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसको मिला था? सर जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ था हमारा। हाँ तो जिंक ऑक्सीडेशन हुआ था तो इलेक्ट्रॉन किसपे किसने लिया इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कौन लिया है बोलो? इलेक्ट्रॉन देखो जो निगेटिव होगा वही ना इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? एनोड टू कैथोड। हाँ एनोड टू कैथोड, तो जिंक से हो रहा है ना? तो जिंक से जो है, जिंक से आपका किसमें हो रहा था? कॉपर में हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर था ना? देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इधर था ना फ्लो इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से समझो है ना, जल्दीबाजी में मत डिसाइड करो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर है ना, तो ऑब्वियसली जिंक निगेटिव है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो। यस सर। है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको है। अब ऐसे भी देखो, अगर सॉल्यूशन से भी समझो कि यहाँ से निगेटिव आयन निकल के आ रहा था और यहाँ से पॉजिटिव आयन निकल के आ रहा था है ना, तो इसमें निगेटिव जा रहा है इसमें पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन आप इसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है जिंक, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया किस पे? इस पे गया, तो इलेक्ट्रॉन इस पे गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ करके इसमें जा रहा है ना, तो ये लो वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज, और ये हाई वोल्टेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ये लेकर के दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा बोलो? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अपोजिट टू करंट। तो एक्चुअली करंट आप ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट इधर है, करंट इधर है तो करंट इधर से इधर है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ऐसे भी देख सकते हो, करंट से भी देख सकते हो। बोलो सर। समझ नहीं आया सर, एक और बार बताइए। बिल्कुल, पहले ये सब लिख लिए हो ना? यस सर। यस सर, पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव होता है या होता है? ये बोलो। निगेटिव से पॉजिटिव। अंकुर आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? सर निगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है ऑब्वियसली। और करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? सर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव होगा। अब तुम देखो हमारा जो सेल था, लेट अस ड्रॉ इट, है ना, ये था आपका सॉल्ट ब्रिज, ये था जिंक, ZnSO4, ये है कॉपर SO4 और ये है कॉपर, है ना, ये रहा। बता इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? बोलो इलेक्ट्रॉन कैसे कॉपर? इलेक्ट्रॉन यहां जिंक ने बनाया Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज किया जिंक ने? बोलो किस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया? किस इलेक्ट्रोड पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है या इस पे रिलीज हुआ है? सर पहले तो जिंक पे ही, सर जिंक पे ही हुआ है ना? नहीं, तो ये तो यहाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंज्यूम हो रहा है ना, रिलीज यहाँ हुआ है। सर हाँ सर, है ना, इसपे कौन जा रहा है? इसपे तो Cu2+, इसपे तो पॉजिटिव आयन जा रहा है ना, पॉजिटिव आयन इसपे गया
और इस ये क्या किया, इसने इसमें सॉल्यूशन में डाला, इसने Zn2+ डाला, यानी कि इसने पॉजिटिव आयन लूज किया। तो पॉजिटिव आयन कैसे किया, इलेक्ट्रॉन लिया इसने, दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, टू इलेक्ट्रॉन लिया, तो निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, एनोड पे, एनोड पे है ना, जिंक पे, जो कि एनोड है और ये कैथोड है। तो कैथोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, रखना तो न्यूट्रल है, तो रखना न्यूट्रल है तो क्या किया, इसने निगेटिव चार्ज लिया, तो ये न्यूट्रल रहने के लिए अपना निगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और इसने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो उसने इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज कर लिया, ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन ये बताओ कि जो आपका रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है तो निगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, किसने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया है, कैथोड, कैथोड ने कहा कलेक्ट किया, इसने कलेक्ट किया तब तो ये यहाँ दे रहा है, मतलब यहाँ पे कलेक्ट हुआ वहां पे रिसीव कर रहा, वो रिसीव कर रहा है ना बाद में, ये पहले जिंक से कलेक्ट किया ना, इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके पास निगेटिव था तब तो, बोलो सर, वो फिर उसने अगर अगर वाले सॉल्यूशन से लिया था, नहीं बेटा, अगर वो सब एक साथ हो रहा है, कोई अलग अलग नहीं है, देखो जब तक अगर अगर नहीं लगाएंगे, यानी कि सॉल्ट नहीं लगाएंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं हो रहा होगा। सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या होगा, सारा साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, बनाया, इलेक्ट्रॉन इस पे गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मान लो क्लोरीन आयन इसमें आ गया, अगर केमिकल यूज कर रहे हैं तो क्लोरीन आयन इसमें आ गया, बोलो, यस सर, समझा। और उसी के साथ साइमल्टेनियसली ही जब इलेक्ट्रॉन यहां गया तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर 2+ ने, और कॉपर में बदल गया। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है जिसके K+ वो इसमें आ गया टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये चारों काम एक साथ हो रहा है, समझा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया था, इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा ना, यस सर। और कॉपर किस पे गया था, कॉपर इस पे गया था, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बोलो, यस सर, समझ। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, एनोड पे नेगेटिव, एनोड पे नेगेटिव आया तब इलेक्ट्रॉन को कैथोड को दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, बोलो, यस सर, समझा। ओवरऑल चार्ज आपको किसी पे अपीयर नहीं होगा, न्यूट्रल होता जाता है, ये लेता है उतना ही इस पे दे देता है, तो सारा प्रोसेस न्यूट्रल है। लेकिन जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, किसने निगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव को दे दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से समझो, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करा, इसका मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया है तभी तो ये दे रहा है, समझा, यस सर। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वरना क्यों लेता है, समझे, यस सर। यानी कि आपका एनोड जो हो जाएगा, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और दूसरा कैथोड जिसपे आपका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो क्या कर रहा है ना, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, समझा। ये चीज है, इस बात को आप मेंशन कर लीजिए, कम ऑन डू इट सर। हाँ बोलो सर, मैं 5 मिनट में रिजॉइन करता हूँ, 1 मिनट सर। नहीं, अब तो खत्म हो गया क्लास।
अच्छा क्लास खत्म हो गया हाँ है ना ठीक है चलो अब आज बस आज इतना ही रखते हैं है ना मैं सोचा थोड़ा और पढ़ा इसी डिस्कशन में निकल गया अब अगले क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फैराडे क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर ये हमारी क्लास का लेक्चर आज याद से थोड़ा भेज दीजिएगा ठीक है पहले आप कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए So I'm going to end this lecture now. चलो बच्चों इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो सर